वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस, टेक ऑफ विद साहिल। और आज मैं आपको बताऊंगा आप CCS यूनिवर्सिटी से अपनी मार्कशीट कैसे ला सकते हैं, कैसे अपडेट करवा सकते हैं। तो वीडियो में आगे बने रहें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। चलो शुरू करते हैं। सो गाइस, आप ये देख सकते हो मेरी ये CCS यूनिवर्सिटी से मार्कशीट आ चुकी है बाय पोस्ट। ये देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सेमेस्टर थे LLB के, ठीक है। इसमें ये ऐसे आई है, देखो मैं एड्रेस तो दिखा नहीं रहा हूँ, ये रहा मेरा नाम, ठीक है। इसका मैं आपको फुल प्रोसेस बताता हूँ क्या है, वीडियो में आगे बने। सो गाइस, सबसे पहले आपको यहाँ से CCS यूनिवर्सिटी पहुँचना है, जो कि आप गूगल मैप से आराम से पहुँच जाओगे। बहुत सही लोकेशन दी हुई है उस पर और बहुत ही आसान रास्ता दिया हुआ है, मतलब जाम ट्रैफिक फ्री, ठीक है। उसके बाद आपको स्टूडेंट विंडो पर नहीं जाना है, आपको जाना है या तो विंडो नंबर 2 पे या फिर विंडो नंबर 5 पे। वहाँ पे आपको फॉर्म मिलेगा, मैं फॉर्म दिखा देता हूँ कैसा फॉर्म मिलेगा, मैं लेके आया हूँ। सो गाइज, आपको वहाँ पे ये वाला फॉर्म मिलेगा मार्कशीट अपडेट के लिए, या मार्कशीट आपको चाहिए उसके लिए। क्योंकि मेरी बैक आई थी तो मैंने मेरा रिजल्ट अपडेट हुआ और मार्कशीट के लिए मैंने अप्लाई किया। ये आपको फॉर्म भरना है, यहाँ पे आपका नाम और जो भी आपने कोर्स किया है LLB या BCom उसका, और यहाँ पे आपका रोल नंबर, और यहाँ पे एड्रेस, मोबाइल नंबर, सेमेस्टर, आवेदक कार्य का पूर्ण विवरण। यहाँ पे आपको लिखना है रिजल्ट अपडेट, मार्कशीट अपडेट, ये सब करके, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे भरना है। तो ये फॉर्म आपको मिलेगा विंडो नंबर 3 या विंडो नंबर 5 पे, उसके आगे का प्रोसेस बताता हूँ मैं। गाइस, ये फॉर्म आप देख सकते हो, अगर वीडियो में सही से नहीं दिख रहा था तो ये देखो ऐसा है, ठीक है। सो गाइस, जब आप ये फॉर्म भर लोगे मार्कशीट अपडेट या रिजल्ट अपडेट वाला, आपको पहले तो क्या करना होगा, आपको अपनी सारी सेमेस्टर की मार्कशीट इस पे जिसमें लिखा हुआ है रिजल्ट में लेटर पास नहीं लिखा हुआ, या फिर बैक है, या जो भी है, मतलब उसमें पास नहीं लिखा हुआ, वो सबके प्रिंट आउट लेके जाने हैं। ग्रेजुएशन की मार्कशीट की प्रिंट आउट ले जाना है, और एक आपको अपनी ID प्रूफ का, ठीक है। उसके बाद इस फॉर्म को भर के, ठीक है, इस फॉर्म के साथ वो सारी मार्कशीट लेके आपको जाना है, मैं बताता हूँ कहाँ जाना है। हेलो, प्रशासनिक भवन। सो गाइस, उसके बाद आपको जाना है 214 नंबर में कमेटी सेल में, जो कि है प्रशासनिक भवन में। उसकी वीडियो में आगे डाल देता हूँ, आप देख सकते हो आपको कहाँ जाना है, इससे आप कंफ्यूज नहीं होगे। वो मंदिर के बगल में ही है, ठीक है। सो आपको जाना है प्रशासनिक भवन में 214 नंबर कमेटी सेल में, जहाँ पे आपको वो डॉक्स अपने जमा करने हैं। जब वो डॉक्स आप जमा कर दोगे, वहीं से वो मोहर लगा के आपको 5 से 10 मिनट में दे देंगे वापस, ठीक है। और कोई किसी को कोई पैसा नहीं देना, कोई पैसे नहीं लगते, वहाँ पे दलाल भी मिलेंगे, कोई पैसे नहीं देने, फ्री में काम होगा, ठीक है। जब आप प्रशासनिक भवन मतलब कमेटी सेल 214 नंबर से आप निकल जाओगे, उसके बाद जाना है आपको पोस्ट ऑफिस। मैं उसका आगे आपको वीडियो दिखा देता हूँ। सो गाइस, जब आपने अभी पोस्ट ऑफिस देखा होगा, इस पोस्ट ऑफिस में आपको 42 रुपये की टिकट लेनी है, और एक लिफाफा लेना है बड़ा सा येलो कलर का, वो मिल जाएगा, भारी वहीं मिल जाएगा। उस पे आपको वो लगानी है, जो टिकट्स मिलेंगी 42 रुपीज़ की, ठीक है। वो 42 रुपीज़ की टिकट लगा के फिर उस लिफाफे के अंदर वो जो वहाँ से कमेटी सेल 214 नंबर से आपको मोहर लगा के मिली है डॉक्यूमेंट्स, वो उसके अंदर डालने हैं। उसके बाद आपको वापस वहीं जाना होगा विंडो नंबर 5 या विंडो नंबर 2 पे, जहाँ पे वो आपको जमा करना होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ कि लिफाफे पे कैसे लगी हुई हैं। ये देखो गाइस, जो मेरे घर आई हैं बाय पोस्ट, तो ये है 42 रुपीज़ की टिकट, ये रही, जो आपको वहाँ से मेरठ यूनिवर्सिटी के पोस्ट ऑफिस में ही आपको लेना है, ठीक है। ये देखो, ये चौधरी चरण सिंह की मोहर भी लगी हुई है यहाँ पे, ये रही, और ये बाय पोस्ट जो आई है, ये मैंने नाम छुप, ये रहा नाम, मेरा नाम देख सकते हो। मैं गाइस, जो मैंने अभी आपको लिफाफा दिखाया, इसमें वो सारे डॉक्यूमेंट डाल के इसको आप सील कर देना वहाँ पे फेविकोल लगा के, जो भी है। फिर वो जाके आपको विंडो नंबर 3
सॉरी विंडो नंबर 2 या विंडो नंबर 5 पे जाके आपको जमा करने हैं, जहाँ से आपको फॉर्म मिलेगा, याद रखना जहाँ से फॉर्म मिलेगा ना वो, वहीं पे आपको ये जमा करना है। वो जमा करेगा, आपको एक स्लिप देगा, रसीद दे देगा वो, जिससे कि आपको अगर आप बाद में कभी जैसे मार्कशीट नहीं आती है घर पे, तो आपके पास एक प्रूफ हो, वो रसीद ले लेना उससे, वो रिसीव कर लेगा उसे। उसके बाद कम से कम एक महीना लगता है, मेरी 2 महीने में आई थी जो मार्कशीट, ठीक है। सो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कोई प्रॉब्लम हो तो CCS यूनिवर्सिटी को लेके और मार्कशीट को लेके, ठीक है। थैंक यू सो मच।